हेलो स्टूडेंट्स, खूब पढ़ो। आज हम सीखेंगे द्विघात बहुपद के गुणनखंड ज्ञात करना। तो आइए, स्वागत है आपका। सीखते हैं द्विघात बहुपद के गुणनखंड। देखिए, कोई सा भी बहुपद होगा, द्विघात बहुपद, यदि उसका गुणनखंड ज्ञात करना होगा तो पहला काम हमारा रहेगा जमाना। जमाना मतलब अरेंज करना। दिया गया बहुपद किसी भी तरह से लिखा होगा, इसमें सबसे पहले हल में हम जो सबसे बड़ी घात वाला पद होगा उसको आगे लिखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं 3x की घात 2, मतलब यह है 3x की घात 2 सबसे आगे आएगा। इसके बाद इससे कम वाली घात का, इससे कम वाली घात का मतलब 1 घात का, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यह x की घात इसमें 1 है, तो यह इसके बाद लिखा जाएगा -7x, और इसके बाद आएगा बिना x वाला, तो +4 इधर आ जाएगा। देखिए, पहला काम हो जाएगा। अब दूसरा काम हमें करना है तोड़ना। तोड़ना मतलब कैसा? देखिए, हमारे पास जो दिया गया बहुपद होगा उसमें 3 पद होंगे। द्विघात का बहुपद है तो इसमें 3 पद होंगे। कभी कभी 2 पद में भी पूछ लेता है, उसके लिए हम अलग से पढ़ेंगे। पर यहाँ पर यदि द्विघात का बहुपद होगा और उसमें 3 पद होंगे तो इसको इस तरह से तोड़ना है कि इसमें 4 पद बन जाए। तो उसके लिए करना क्या है कि जो बीच वाला पद है इसके 2 टुकड़े करना है। -7x जो लिखा है इसके 2 टुकड़े करना है, -7x के। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला काम है इसको ध्यान से करना है, तोड़ना। ऐसे नहीं तोड़ेंगे जिससे काम बिगड़ जाए, तोड़ेंगे काम बनाने के लिए। तो करना क्या है, इस -7x के 2 टुकड़े बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो x के गुणे में नंबर लिखा हुआ है, जो x का गुणांक है, उसको आप यहां पर लिख लीजिए 7 लिखा रफ वर्क में, और इसके बाद जो x की घात 2 है इसके गुणांक में जो नंबर है और जो आखिरी वाला पद है उसमें जो नंबर लिखा हुआ है, इन दोनों का गुणा करके अलग से लिख लीजिए। मतलब यहां पर 3 है और ये 4 है, 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, इस नंबर को लिख लिया, और जिसके टुकड़े करना है उसको भी लिख लिया। तो अब देखिए, टुकड़े करना है -7x के, इसमें से 7 निकाला बाहर, तो इस 7 के हम 2 ऐसे टुकड़े करेंगे, 7 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि जिनका जोड़ करें या फिर घटाव करें तो यह 7 आना चाहिए, और साथ में इन दोनों टुकड़ों का इनटू करें, गुणा करें तो 12 आना चाहिए। तो ये 2 नंबर हमें सोचना रहता है, सोच लेंगे, अपने मन से सोच करके लिख देंगे, बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। और कभी सोचने में नहीं आए नंबर तो उसको निकालने का तरीका होता है कि जो हम यहाँ पर गुणा करके नंबर बना के रखते हैं इसमें से निकालते हैं। तो निकालने का तरीका क्या है कि इस 12 को लेकर के ऐसे 2 नंबर हमें देखना है जिनका गुणा करें तो 12 आए, ऐसे कोई से भी प्राकृतिक संख्याएं जिनका गुणा करें तो 12 आए। तो देखिए, शुरुआत करेंगे 1 से, 1 का गुणा 12 से करेंगे तो 12 आएगा, फिर 1 के बाद आएगा 2, 2 का गुणा 6 से करें तो 12 आएगा, 2 छंगा 12, फिर 2 के बाद आएगा 3, 3 का गुणा 3 चौक 12, 4 के साथ करें तो 12 आएगा, फिर उसके बाद 4, तो 4 के लिए 4 3 12 हो गया है, 5, 5 से किसी भी नंबर का गुणा करेंगे 12 नहीं बनेगा, 5 के बाद 6, 6 2 12 ये लिखा हुआ है, 6 2 12, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, इनमें से नहीं बनता है, फिर 12 से बनता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि 12 के लिए ऐसे 3 जोड़े हैं जिनका आपस में इन दोनों का गुणा करने पर 12 मिल रहा है। तो अब ये 1 12 यहाँ लिखने में आएगा या फिर 2 6 यहाँ पर लिखने में आएगा, फिर 3 4, कोई सभी 1 जोड़ा इधर आएगा, तो इनमें से वो कौन सा जोड़ा होगा उसको ज्ञात करने के लिए इस 7 को देखते हैं। मतलब ये तो पक्का हो गया कि इनका यदि आपस में गुणा करेंगे तो 12 मिलेगा, बट अब हम चेक करते हैं कि इनमें से किन को जोड़ने पर या फिर घटाने पर 7 आएगा। तो आप देखिए, 1 और 12 इनको जोड़ेंगे तो 7 या घटाएंगे तो 7 आने वाला है नहीं, 2 और 6 इनको जोड़ या घटाव करेंगे तो आने वाला है नहीं, और 3 और 4 इनमें से मिल रहा है, 3 और 4 को यदि जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर वह नंबर 3 और 4 आ जाएगा। इस तरह से 7 के 2 टुकड़े बनाना है, ध्यान से तोड़ना है। अब देखिए, कभी कभी बच्चों को लगता है कि जो वो 2 नंबर हम निकाला करते हैं किसी भी नंबर के टुकड़े करके, उनको जोड़ना रहता है कि घटाना रहता है, दोनों में से कौन सा काम करना रहता है, तो उसको पहचानने के लिए बहुत ही अच्छा सा मेथड है कि जो आखिरी वाला पद होता है इसके आगे जो भी साइन लगा रहता है वही इन दोनों नंबर का किया जाता है। मतलब
जब जैसे चार के आगे देखिए धन प्लस का साइन है, तो यहाँ पर तीन और चार का हम जोड़ ही करेंगे, प्लस करेंगे तीन और चार का। तो इस तरह से हमें मालूम पड़ जाएगा कि जोड़ना है कि घटाना है। तो अब आइए, सात के लिए हमने दो टुकड़े बना लिए, तीन और चार, तो सात की जगह लिखेंगे, इधर आएगा तीन एक्स की घात दो माइनस, देखिए सात की जगह तीन धन चार और ब्रैकेट के बाद आएगा एक्स, प्लस के बाद आएगा चार। इसके बाद क्या करेंगे कि जो ये ब्रैकेट लगा है इसको हटाएंगे, देखिए हटाएंगे तभी तो इस तीन पद के चार पद बनेंगे। तोड़ने का काम हमारा क्या था कि दिए गए तीन पद के चार पद बनाना है तोड़ करके। जब यह ब्रैकेट हट जाएगा तो इसके टुकड़े चार बन जाएंगे, लिखेंगे तीन एक्स की घात दो। अब देखिए ब्रैकेट को हटाएंगे, जैसे कोष्टक हटेगा तो माइनस इधर से एंट्री करेगा और एक्स इधर से एंट्री करेगा, तो देखिए ऋण तीन का एक्स के साथ गुणा हो जाएगा तो ऋण तीन एक्स आ जाएगा, फिर ऋण का धन के साथ गुणा होगा तो ऋण ही आएगा, चार का एक्स के साथ गुणा होगा तो चार एक्स आ जाएगा, धन के बाद चार बचेगा। देखिए दूसरा काम हो गया, तीन पद थे अब यहाँ पर चार पद निकल आए। अब हमें तीसरा काम करना है, लगाने का, लगाना है। अब लगाना क्या है, सिंपल सा है, ब्रैकेट लगाना है, कोष्टक लगाना है। कोष्टक कैसे लगाना है कि जो ये चार पद आए हैं इनमें से दो दो पद को लेकर के ब्रैकेट लगा देंगे। ध्यान से लगाना ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने पर हमारे पास जो चिन्ह की गलती होती है वह खत्म हो जाती है। कैसे, यहाँ पर सीधे सीधे अपन कोष्टक लगा दें, आगे के दो पद में तो आसानी से कोष्टक लग जाता है। इधर आएगा तीन एक्स की घात दो माइनस तीन एक्स। अब देखिए इसके बाद जब कोष्टक लगाते हैं तब ध्यान में रखना पड़ता है, ऋण चिन्ह है तो ऋण इधर आ जाएगा, अब ब्रैकेट चालू होगा। अब ध्यान से देखिएगा जो अंदर बचे हैं उनको कैसे लिखते हैं, ऋण तो इधर बाहर आ गया, अब यह केवल चार एक्स बचेगा तो इधर चार एक्स आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर धन का चिन्ह लगा हुआ है, जब कभी कोष्टक लगाते समय यदि बाहर ऋण निकल करके आए, मतलब यहाँ पर यदि ऋण का चिन्ह होगा तो याद रखेंगे इधर वाला चिन्ह जब यहाँ पर लिखना होगा तो बदल करके लिखेंगे, यदि धन का है तो इधर ऋण हो जाएगा, और कभी यहाँ ऋण का होता तो यहाँ पर धन हो जाता और फिर यह नंबर लिख देंगे, और कभी यहाँ ऋण की जगह यहाँ पर धन होता, यहाँ पर यदि धन वाला चिन्ह लगाते तो फिर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यह उसी के चिन्ह के जैसा आ जाता। तो इस तरह से लगाने का काम भी आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा काम हो गया, अब चौथा काम करना है निकालने का। निकालना है, निकालना क्या है कि जो हमने लगाया था, लगाने के बाद जो कोष्टक बने थे उन कोष्टक के अंदर देखेंगे जो जो एक जैसे होंगे उनको निकाल करके बाहर करना है। कैसे, आप देख रहे हैं गुणे के नंबर तीन तीन, ये दोनों में एक जैसे हैं तो तीन बाहर आ जाएगा। फिर आप देख रहे हैं एक्स की घात दो और एक्स, एक्स की घात दो का मतलब एक्स गुणित एक्स, फिर देखिए माइनस, माइनस के बाद फिर एक्स, तो यहाँ पर एक एक्स और ये एक एक्स, ये भी दोनों बाहर हो जाएंगे तो एक्स बाहर हो जाएगा। तीन को हमने पहले ही बाहर कर लिया था, तो आप यहाँ पर देखिए आगे वाले में केवल क्या बचा, एक एक्स बचा, तो इधर एक्स आ जाएगा। माइनस के बाद देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, एक्स था वह भी बाहर आ गया, तीन को पहले ही बाहर कर लिया था तो इधर बचेगा वन। कॉमन करने के बाद जब कुछ नहीं बचता है तो वन लिखा करते हैं, माइनस। अब इन दोनों पद में देखिए क्या एक जैसा दिख रहा है, चार दोनों में एक जैसा दिख रहा है तो चार आ जाएगा बाहर, और इधर से चार बाहर गया तो एक्स बचेगा, माइनस, चार बाहर गया था यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा था, कॉमन करने के बाद तो वन बचेगा। इस तरह से चौथा काम हो जाएगा निकालने का। फिर पांचवा काम है आखिरी वाला, फिर से निकालना। तो देखिए फिर से निकालने का मतलब क्या है, जब हम ये चार काम कंप्लीट कर चुके होंगे उसके बाद हमारे पास जो नया मान आएगा उसमें ये जो ब्रैकेट के अंदर बचे हुए पद होंगे यह दोनों में एक जैसा होगा। श्योर, यदि हमारा काम सही होगा तो पक्का है कि इधर का नंबर x-1 और इधर वाला x-1 दोनों एक जैसे होंगे, कभी दोनों में चिन्ह की, नंबर की, चर की या किसी की भी थोड़ा सा भी चेंज बदलाव होगा, मतलब हमारा कहीं ना कहीं पर गलत है। हम देख रहे हैं x-1 x-1 दोनों में एक जैसा है, मतलब हम यहाँ तक सही किया इसको सॉल्व। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को निकाल करके बाहर कर देना है। निकालेंगे बाहर तो इधर इसको एक बार लिखेंगे x-1। अब आप सोचिए यदि इन दोनों में से यदि इसको और इसको गायब कर दे तो क्या बचेगा, 3x बचेगा इधर और ऋण 4 बचेगा इधर, तो लिखेंगे यहां पर 3x ऋण 4, यह अपना उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से कोई सा भी द्विघात बहुपद होगा और उसके गुणनखंड करना होगा तो हम इस तरह से पांच काम उस पे करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा और आप आसानी से इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। गुणनखंड
वर्गखंड ज्ञात करना बहुत ही आसान है।